क्या मतलब है झैल का? जब मोदी योगी जाएंगे, जब हमारी आबादी बढ़ेगी, तब हम हिसाब करेंगे, यही मतलब है ना। अरे यार, मोदी योगी तो 2014 में आए हैं। 6 दिसंबर को कहां थे मोदी और कहां थे योगी? बाल बराबर हिंदू का सर फिरा था, और 6 दिसंबर की घटना सबको याद है। इस तरह हिंदुओं का सर ना फिरा, और ये मत सोच कि जज्बा और दम तेरे ही अंदर है, ये मत सोच। मुसलमान को तो आज एयर कंडीशन तबाह करना पड़ता है। हिंदू जवान, छोटा, बूढ़ा, औरत, मर्द 20 किलोमीटर की अमरनाथ की यात्रा करते हैं, ना पानी से डरते हैं, ना बर्फ से डरते हैं, ना आतंकवादियों की गोलियों से डरते हैं। तो ये मत सोच कि जज्बा सिर्फ तुम्हारे अंदर है। 2014 का क्या रोना रहता है? 2004 में तुम परेशान थे, 1994 में तुम परेशान थे, 1984 में तुम परेशान थे, 1974 में तुम परेशान थे, 1964 में तुम परेशान थे, 1954 में तुम परेशान थे, 1944 में तुम परेशान थे, 1934 में तुम परेशान थे। तुम्हारी परेशानी कभी कम ना होगी। और तुम हिंदुस्तान में भी परेशान थे, तुम अमेरिका में भी परेशान हो, तुम ऑस्ट्रेलिया में भी परेशान हो, तुम फिलीपींस में भी परेशान हो, श्रीलंका में भी परेशान हो, रशिया में भी परेशान हो, चाइना में भी परेशान हो, यूरोप में भी परेशान हो। सिर्फ तुम वहीं परेशान नहीं हो जहां तुम हो ही नहीं, जहां जहां तुम हो वहां वहां परेशान हो। और वहां वहां तुम्हारे लीडरान की यही डायलॉग बाजी होती है, हमें अवॉइड किया जा रहा है, हमें मार्जिनलाइज किया जा रहा है, हम वक्त पे बदला लेंगे। अरे अपने अमाल देखो, बदला अपने आप से लो, अपनी बदअमारी से लो। जो ऊपर ताकत है वही फिरौन की तरह तुम्हें तुम्हारी औकात दिखा रही है, तुम्हारी हैसियत दिखा रही है। पूरी दुनिया में ए ग्रेट सिटीजन से घटते घटते ऐसे ही जाहिलों की वजह से आज मुसलमान ग्रेट 3 का सिटीजन बना हुआ है, चाहे इस्लामी मुल्क में हो, चाहे गैर इस्लामी मुल्क में हो।